दोस्तों, आपने साल 1985 की रोमांस और एक्शन से भरपूर फिल्म मर्द तो जरूर देखी होगी, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह की खूबसूरत जोड़ी देखने को मिली थी। इस फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि लोग आज भी इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, आप इस फिल्म के बारे में तो सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप फिल्म में रूबी का किरदार निभाने वाली अमृता सिंह के बारे में जानते हैं कि वह इन दिनों कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में अंत तक। 80 के दशक की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को हुआ। अमृता सिंह ने नई दिल्ली में मॉडर्न स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। अमृता सिंह ने साल 1983 की फिल्म बेताब से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा, जिसकी कहानी बेहद रोमांटिक थी, जिसमें अमृता सिंह और सनी देओल की खूबसूरत जोड़ी देखने को मिली थी, जिसके बाद कई और फिल्म निर्माताओं ने इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने का मौका दिया और इन्होंने मर्द, साहेब, खुदगर्ज, वारिस और आईना जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाया, जिसके बाद इनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और जितेंद्र जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ देखी गई। हालांकि उन्होंने साल 1993 की फिल्म रंग में अभिनय करने के बाद फिल्मी करियर से संन्यास ले लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने साल 2002 में 23 मार्च 1931 शहीद फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की, जिसके बाद अमृता सिंह एकता कपूर के सीरियल काव्यांजलि में दिखाई दी। साथ ही ये साल 2019 की फिल्म बदला में भी नजर आई। दोस्तों, अगर बात करें अमृता सिंह की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें कि उन्होंने साल 1991 में बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता सैफ अली खान के साथ शादी कर ली। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हैं, जिनमें बेटे का नाम इब्राहिम अली खान और बेटी का नाम सारा अली खान है। आपको बता दें कि अमृता सिंह और सैफ अली खान की शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और 13 साल बाद साल 2004 में इन दोनों ने आपसी सहमति से डिवोर्स ले लिया। दोस्तों, अब अगर बात करें अमृता सिंह के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि अमृता सिंह ने अपनी जिंदगी के 63 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इनकी बढ़ती हुई उम्र आप हमारे इस वीडियो के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह इनके फेस पर झुर्रियां साफ दिखाई दे रही हैं। अमृता सिंह अपने बेटे और बेटी के साथ मुंबई में खुशनुमा जिंदगी बिता रही हैं। वेल दोस्तों, आपको अमृता सिंह की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।